सिंपल लौकी की सब्जी बना लो। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो इधर है लौकी जो कि दो कप के करीब होगा, दो कटोरी, छोटे छोटे कटोरी, इतने बड़े बाउल्स नहीं होते इतना। और इधर मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कोरियन नहीं, क्यूमिन सीड्स, जीरा, और इधर है हींग, तेज़पत्ता मैं ले रही हूँ एक, इधर है ये दो तीन ग्रीन चिली है, और प्याज, और ये मेरा टमाटर जिसको मैंने काट लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रही थी, और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, सरसों तेल, और उसमें थोड़ा सा बटर भी डाल दिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और स्टोव मैंने ऑन कर रखा था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी शूट कर लिया जाए। हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया, अब डालूंगी ये तेज पत्ता, और अभी के अभी डालूंगी मिर्ची। ये डन हो गया है, तो अब मैं ट्रांसपेरेंट होने देना था प्याज को, ट्रांसपेरेंट हो गया, तो मैंने टमाटर भी डाल दिया, एक बड़ा टमाटर था। मैं यहीं पे अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। या फिर आप बाद में भी डाल सकते हैं नमक, क्योंकि आपको अपना टेस्ट पता है, टेस्ट करके देख लीजिएगा सब्जी बनने के बाद। मैं वैसे सब्जी खाना बनाते समय टेस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी नानी, जो नानी की दादी थी, नानी लोग बोलती थी कि जब खाना हम बनाते हैं तो खाने को टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे विशेष पूरे नहीं होते, और भी कुछ कुछ बोलती थी। इस वजह से मैं नहीं करती थी, और अभी भी नहीं करती, इसलिए मैं अभी भी नहीं ही करती हूँ। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, डालूंगी, और साथ में हल्दी पाउडर। अगर आपको कुछ डालना है, और जैसे कि गरम मसाला या कुछ और, तो डाल सकते। सॉरी, अभी पाउडर डाल दिया मैंने, तो ये मैं
ज्यादा अच्छे से भुन जाए, जो कि भुन ही चुका है, क्योंकि मेरे टमाटर टमाटर सारा का सारा मेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ये तो अभी मैं इसमें अपना लौकी ऐड कर देती हूँ। लौकी बोलते हो गए, घिया बोलते हो गए, जिसको बोटल गॉड बोलते हैं इंग्लिश में। अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो आएगा, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। अब मैं इसको बस ढक के अपने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। मैंने इसमें अभी पानी वानी कुछ ऐड नहीं किया है, और वैसे भी लौकी पानी छोड़ता है, टमाटर भी पानी छोड़ रहा था। अभी इसमें मैं ये पंजाबी बड़ी जाते हैं ना, बड़ी, इसको मैं थोड़ा तोड़ के, ऐसा आता है पंजाबी बड़ी, ठीक। तो मैंने एक ये वाला और अभी थोड़ा सा और था टूटा हुआ थोड़ा सा, तो मैंने ये सारे के सारे इसमें डाल दिया है। सॉरी, उधर कैमरा बोल घूम गया था। तो ये सारे मैंने तोड़ के डाल दिए, और अभी मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर देती हूँ। अब इसमें ये जो वड़ी है इसको अच्छे से फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पहले हम फ्राई कर सकते थे, लेकिन इसका ऐसे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से मैंने फ्राई किया, ठीक है। अगर और फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बस अभी मैं इसमें पानी डालती हूँ, फिर मैं एक ग्लास के करीब पानी डाल देती हूँ। डाल दिया, इसको थोड़ा सा मिला लेती हूँ। काम करती हूँ, थोड़ा और पानी डाल देती हूँ। बस अब इसको ढक के पकने देती हूँ, तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। सो चलिए देखते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, रूप रंग अच्छी है। ये बड़ा वाला है, इसको भी प्रेस करके देखेंगे। ये भी अच्छे से फूट गया है, क्या बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार है, इसको मैं अब सर्व कर लेती हूँ, दूसरे डिश में डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं।
बन के तैयार है, अब इसको कुछ नहीं करना। स्टोव भी मैंने बंद कर दिया। तो हमारा सब्जी रेडी है, ये देखिए। और आपको बहुत पसंद आएगा, बना के देखिए, खा के देखिए। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।